भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधेरा। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ, केवल स्वयं का लाभ चाप हो वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारी हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा।
राधे राधे।